हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल गए हो और आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं है? आप परेशान हो चुके हो, आपको फेसबुक का पासवर्ड कहीं मिल नहीं रहा है, ना तो फॉरगेट हो रहा है ना चेंज हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम फेसबुक का पासवर्ड पता करते हैं या उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं अगर आपको फेसबुक का पुराना पासवर्ड याद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं आपको बताऊंगा। कई बार एक्चुअल में क्या होता है पता है कि आप अपने फ़ोन को रिसेट करते हो या आपका फ़ोन कहीं खो जाता है या नया फ़ोन लेते हो, तो उसमें आप अपने फेसबुक आईडी को फेसबुक में लॉगिन करना चाहते हो, बट उस केस में आपको फेसबुक का पासवर्ड याद होता ही नहीं है, तब उस समय में आप परेशान हो जाते हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि बिना मोबाइल नंबर के, बिना ईमेल आईडी के, बिना ओटीपी के हम कैसे फेसबुक का पासवर्ड चेंज करते हैं या कैसे हम उसे बदलते हैं। तो अगर आप भी गाइस अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल गए हो और आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा फेसबुक का पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान से सुनना गाइस, फेसबुक का पासवर्ड चेंज करने के लिए, बदलने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फेसबुक ने बहुत सारे नए नए फीचर्स को अपडेट किया है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे कि भाई फेसबुक का पासवर्ड चेंज नहीं हुआ, कमेंट करोगे, गंदा गाली बकोगे, ये सब मुझे पसंद नहीं। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको इस वीडियो में पूरे बारीकी से समझाऊंगा कि कैसे फेसबुक का पासवर्ड चेंज करना है। तो आइए चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन की ओर। तो फेसबुक का पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे फेसबुक को ओपन कर लेंगे। फेसबुक को ओपन करने के बाद गाइस आप इस तरह से ऑप्शन शो होगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और एक यहाँ पे पासवर्ड का। तो आपको यहाँ पे फेसबुक का ना तो फ़ोन नंबर पता है ना तो पासवर्ड पता है, और फिर भी आप अपने अकाउंट को फेसबुक में लॉगिन करना चाहते हो, फिर भी आप कर सकते हो। बस इस वीडियो को आप देखो ध्यान से। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा गैज, आपको यहाँ पे फेसबुक अकाउंट बनाते समय आप जो फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड किए थे दिए थे, सबसे पहले आपको ये फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना है। अगर आप फ़ोन नंबर नहीं दिए थे तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। आप ईमेल आईडी तो दिए होंगे, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर डालने के बाद गाइज आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ये काम जो है चुटकी का है। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, ये जो आपको नीचे में दिख रहा है ना फॉरगेट पासवर्ड का, सिंपली यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे गाइज, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको फाइंड अकाउंट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप गाइस अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करोगे और यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, तो आपको आपके फ़ोन नंबर से, आपके मोबाइल से जितना अकाउंट बना होगा वो अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। यानी कि आपके मोबाइल नंबर से अगर 10 अकाउंट बना होगा फेसबुक का, 10 यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर एक ही बना होगा तो एक ही शो होगा। तो मेरे फ़ोन नंबर से यहाँ पे फेसबुक का यहाँ पे 3 आईडी बना है, तो यहाँ पे तीनों शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको किस आईडी का पासवर्ड यहाँ पे चेंज करना है, बदलना है। मैं यहाँ पे ऊपर वाले अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पे भूल गया हूँ, तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए हम इस अकाउंट को चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन शो होगा, ध्यान से देखो वीडियो को गाइस। तो आपको सिंपली क्लिक करना है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक। यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आपको कुछ इस तरह से इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको ट्राई अनदर वे के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन शो होगा। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू एज कृष्ण मुरारी, यहाँ के आपका यहाँ पे जो नाम होगा वो नाम शो हो जाएगा। गेट कोड वर्सेस फेसबुक नोटिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे में आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर शो हो जाएगा या तो आपका ईमेल आईडी शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एसएमएस के थ्रू इसे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे इसको एसएमएस के थ्रू यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपके फेसबुक में जो फ़ोन नंबर रजिस्टर होगा उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे कुछ राउंड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंटरनेट स्लो है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है, तो मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से पासवर्ड जनरेट कर लेना है, पासवर्ड आपको नया पासवर्ड बना लेना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड बना लेता हूँ।
पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे लॉग आउट ऑफ अनदर डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अदर डिवाइस के ऑप्शन पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका फेसबुक आईडी कहीं और किसी और के फ़ोन में लॉगिन है तो वहाँ से लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल के नया पासवर्ड बना के यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका फेसबुक का पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे चेंज हो जाएगा और आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगा 100%। आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इंटरनेट स्लो है और यहाँ पे हम फाइनली फेसबुक के होम पेज में यहाँ पे लॉगिन हो गए हैं। आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देखो। तो इस तरह से गैज, अगर आप भी अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घंटा ये कुछ बड़ी बात नहीं है, ये छोटा सा काम है, आराम से आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो, बस चुटकी का। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा होगा। तो वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना, तो चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।